बहुत पहले दक्षिण भारत देश के बीच वनजावनम नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से एक कौवा था। हर रोज रात के समय पक्षियों के घर में घुसके चोरी करता था। एक दिन वो कौवा एक चिड़िया के घर में चोरी करने जाता है। घर पूरा ढूंढ के बहुत कीमती चीजों को जमा करने लगा। उस आवाज से सोई रही चिड़िया की नींद खुलकर देखने से सामने से कौवा चोरी करता हुआ दिखाई देता है। उसे देख के चिड़िया ऐसे कहने लगी, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, चोरी करना पाप है, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए कहती है। तब कौवा गुस्से से, जोर से चिल्लाओ मत, ऐसे कह के एक चाकू निकाल के धमकाने लगा। पर चिड़िया बिना डरे कौवे से जोर से बातें करने लगी। दोनों के बीच बातें बढ़ के कौवा उसके हाथ में रहे चाकू से चिड़िया को मार डाल के चिड़िया के कीमती चीजों को लेके वहाँ से चला जाता है। कौवा थोड़ी दूर जाके चिड़िया के पास रही कीमती चीजें और संपत्ति सारे एक पेड़ के तने में छुपा के रखता है और जंगल के पक्षियों के बीच ऐसे घूमने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जंगल में रहे सारे पक्षियों को बहुत जल्द ही पता चल जाता है कि चिड़िया को कोई चोर मार डाला है। तब सभी पक्षी चिड़िया को देखने जाने लगे। कौवा भी अनजाने की तरह जाकर बैठ जाता है। पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ले जाता है। वो चिड़िया बहुत नेक थी, हर रोज बहुत सारे लोगों को अन्नदान करके सहायता करती थी। मेरी बेटी की शादी के लिए दहेज के पैसे मुझे जमा नहीं हुए, तब चिड़िया उसके गले में रही बहुत कीमती हार देके मेरी बेटी की शादी की। उस दिन अगर उस चिड़िया सहायता नहीं करती तब हम सब आत्महत्या कर लेते, ऐसे कह के बहुत दुखी होने लगी। कौवा चिड़िया की बातें सुन के, बाप रे, मैंने ही इस चिड़िया को मार डाला है करके पता चलने से ये सभी पक्षी मिलके मुझे मार डालेंगे, ऐसे मन में सोच के चला जाता है। जाते समय बीच रस्ते में एक चील बुलाकर, कौवा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यूं ही जंगल में घूम रहा हूँ। कौवा, तुझे पता है हमारी चिड़िया को कोई मार डाले, मैं वही जा रहा हूँ, तुम भी आओ। तब कौवा डरते हुए, ओह ये कैसे हो गया चील, कौन किए होंगे, ऐसे मासूम की तरह कौवा पूछता है। किसी को भी नहीं मालूम, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। एक दिन मैं आसमान में बहुत ऊपर तक जाके सूरज की गर्मी से बेहोश होकर गिर गया। तब मेरे रूप को देखकर कोई मेरी मदद करने नहीं आए, लेकिन वो पक्षी मुझे उसके घर ले जाकर एक महीने तक मेरा इलाज करा के उसके सगे भाई की तरह देखभाल की। सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों की सहायता करती थी वो चिड़िया। चल जाके हम आखिरी अलविदा दे के आते हैं, ऐसे कह के चील कौवे को ले जाता है। कौवा भी कुछ नहीं कर सका और चील के पीछे जाने लगा। दोनों मिलके थोड़ी दूर जाने के बाद बीच रस्ते में एक कबूतर मिलके वो बहुत रोने लगी। क्या हुआ कबूतर, क्यों रो रही हो? मेरी अच्छी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। उस चिड़िया की वजह से ही आज मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मेरे बच्चे जब अंडे में थे तब एक सांप उस अंडों को खाने आया। तब उस सांप से चिड़िया बहुत लड़ाई की पर जीत नहीं पाई। लेकिन मेरे बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने अंडों को उस सांप को देकर मेरे बच्चों को बचाई। वो बहुत महान दिल वाली है, ऐसे कह के रोने लगी। चिड़िया की सहायता के बारे में कौवा सुनता रहा। तब कौवा उसके मन में ऐसे सोचने लगा, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, एक नेक चिड़िया को मार डालकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसे मन में दुखी होकर उसकी गलती का एहसास होता है। जंगल में रहे सारे पक्षी चिड़िया के घर जाते हैं। सभी पक्षी चिड़िया को एक रैली की तरह अंतिम संस्कार करने ले जाने लगे। मेरे पाप का एक ही प्रायश्चित है, मैं इसी जंगल में रह के जैसे चिड़िया सबकी मदद करती थी वैसे ही मैं भी सबकी सहायता करूंगा। चिड़िया का स्थान मैं लूंगा, आज से मैं चोरी करना बंद कर दूंगा,
इतने दिन कमाई मेरी संपत्ति दूसरों की सहायता करने उपयोग करूँगा। उसके बाद कौवा अगले दिन से चिड़िया के घर में रह के सबको अन्नदान करके सबकी मदद करने लगा। चिड़िया का पानी पूरी व्यापार। अस्तिया नाम के जंगल में एक नर चिड़िया था। उस चिड़िया को बचपन से ही पढ़ाई से बहुत नफरत था। उसके साथी पक्षी स्कूल को जाकर पढ़ाई करने से चिड़िया स्कूल जाने के बजाय घर पर रह के माँ के पास खाना बनाना सीखता है। एक दिन चिड़िया का पिता चिड़िया से ऐसे कहने लगा, बेटा तू हर समय लड़कियों के जैसे किचन में ही रहते हो। तेरे दोस्तों को देख, सभी अच्छे अच्छे नौकरियां कर रहे हैं। तुझे पढ़ने को कहता हूँ पर तुम नहीं सुनते रे। ऐसे बहुत डांटने लगता है। पर चिड़िया ये सब हर दिन की कहानी सोचकर बाहर चला जाता है। चिड़िया जहाँ भी जाता था सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर चिड़िया को किसी न किसी दिन अच्छी शेफ बनने की इच्छा थी। चिड़िया उसकी मन की बात किसी से नहीं कहता। एक दिन चिड़िया अकेले जंगल में घूमकर उस जंगल से दूर रहे एक छोटे से गांव को जाता है। सुबह से धूप में घूमने के कारण चक्कर आके वहीं नीचे गिर जाता है। तब उस गांव में रहे एक बूढ़ी कबूतर चिड़िया को देखकर उसके घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलता है। सामने एक बूढ़ी कबूतर एक प्लेट में पानी पूरी लेके चिड़िया के सामने खड़ी रहती है। डर मत चिड़िया, ये मेरा घर है। तुम चक्कर आके गिर गए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई। ये लो खाओ, लगता है तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो। ऐसे कह के बूढ़ी कबूतर चिड़िया को पानी पूरी देती है। पहली बार चिड़िया पानी पूरी देख रहा है। उन्हें कैसे खाना है चिड़िया को समझ में नहीं आता। अरे इन्हें कैसे खाना है, मैं इन्हें नहीं जानता। तब कबूतर हंस के इन्हें पानी पूरी कहते हैं, ऐसे कह के उन्हें कैसे खाना है दिखाती है। चिड़िया कबूतर पानी पूरी खाए तरीका देखकर पहले आश्चर्य हो जाता है। उसके बाद चिड़िया भी पानी पूरी खाता है। पानी पूरी का टेस्ट चिड़िया को बहुत पसंद आता है। दादी ये पानी पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसे कैसे बनाते हैं? तब कबूतर हंस के मैं तुझे सिखाऊंगी चिड़िया, पर तुम ये सब क्यों सीखना चाहते हो मुझे बताओ, उसके बाद मैं सिखाऊंगी। तब चिड़िया कहता है उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। बहुत दिनों से उसके गांव में एक अच्छा होटल खोलने की इच्छा के बारे में भी बताता है। चिड़िया की बात सुन के कबूतर ने खाना बनाना गलत नहीं है, लड़कियां ही खाना बनाना है और लड़के खाना नहीं बनाना है करके कोई रूल नहीं है। ये पानी पूरी कैसे बनाना है मैं तुझे सिखाऊंगी। ऐसे कह के उस दिन चिड़िया को पानी पूरी कैसे बनाना है सिखाती है कबूतर। चिड़िया बहुत जल्द सीख लेता है। चिड़िया के बनाए पानी पूरी खाकर कबूतर ऐसे कहने लगी, तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छे बनाए चिड़िया, तेरे हाथों में कोई जादू है जादू। सच दादी, तो मुझे एक आइडिया आया है, मेरे गांव में पानी पूरी व्यापार शुरू करूंगा दादी। ऐसे कह के चिड़िया वापस घर चला जाता है। चिड़िया घर जाने के बाद चिड़िया के माता पिता चिड़िया को देखकर खुश होते हैं। अगले दिन चिड़िया पिता से ऐसे कहने लगा, पापा हमारे गांव में मैं पानी पूरी व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए पापा। चिड़िया पानी पूरी और कबूतर के बारे में बताता है। बेटे की पूरी बात सुनके पिता को पसंद नहीं रहने पर भी मान जाता है। थोड़े दिनों में ही चिड़िया उसके गांव में पानी पूरी व्यापार शुरू करता है। पहले पानी पूरी खाने ज्यादा पक्षी नहीं आते थे, तब चिड़िया निराशा नहीं होता और अपना व्यापार कायम रखा। तब एक दिन पास के गांव से एक तोता आकर चिड़िया के बनाए पानी पूरी खाती है। ओह इतनी टेस्टी पानी पूरी आज तक नहीं खाई। ऐसे कह के हर रोज उसके दोस्तों के साथ आकर पानी पूरी खाती थी। हर समय चिड़िया के पानी पूरी गाड़ी के पास बहुत सारे पक्षी खाते रहते थे। थोड़े दिनों में ही चिड़िया के बनाए पानी पूरी टेस्ट सबको पता चल के चिड़िया का व्यापार धीरे धीरे से बढ़ने लगा। चिड़िया की इच्छा के अनुसार एक अच्छा होटल खोल के वो एक अच्छा शेफ बन जाता है। चिड़िया को देख के उसके दोस्त ऐसे कहने लगे, अरे
तू तो बहुत ग्रेट है रे, हमें पसंद नहीं रहने पर भी हम किसी और के अधीन गुलाम बन के जी रहे हैं। पर तुम ऐसे नहीं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हो, तुम खुद के बॉस हो। पहले चिड़िया का अपमान किए पक्षी अभी उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। उनकी बातें सुन के चिड़िया के माता पिता बहुत खुश होते हैं।